संदेश खाली में बहुत शर्मनाक है, हृदय हिल जाता है, आत्मा कांप जाती है। बीजेपी एमएलए लोगों को भी अच्छा और आश्चर्य शेख शाहजहां जैसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, वहाँ की बहनें वहाँ का सच उजागर कर रही है। राम राम बंधु राम राम। हृदय विदारक घटनाएं जो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के शासनकाल में सुनने में आ रही हैं वह किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए अंधी हो गई वहाँ की सरकार, जिस प्रकार से गंध मचा रही है उसका ताज़ा उदाहरण संदेश खली से सुनने में आ रहा है। इसी पर टिप्पणी करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, आप जरूर सुनिए। ममता दीदी की सरकार, ममता तो मुझे लगती नहीं है, ममता ममता तो स्नेह प्रेम आत्मीयता दया करुणा ममता तो माँ के हृदय में होती है, ममता बहन के प्यार में होती है, ममता बेटी के दुलार में होती है, लेकिन ये ममता नहीं, ये तो क्रूरता है, क्रूरता। अभी क्या हुआ, संदेश खाली ना मेरी बहनों, हृदय काम जाता है। शेख शाहजहां जैसे लोग अन्याय करते रहे बहनों के साथ, बेटियों के साथ, मध्ययुगीन अत्याचार शोषण करते रहे, पर ममता दीदी आप उनको संरक्षण देती रही, बीजेपी का कार्यकर्ता पर केस बनाती है, मुकदमे लाद देती है। शेख शाहजहां के सामने शीश झुकाने का पाप करती है। मेरे बहनों और भाइयों, ये क्राइम की सरकार है। और इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं इसकी दवा बीजेपी शासित राज्यों में माकूल रूप से दी जा रही है। इसका उदाहरण आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से दिया है उसको भी आप इस वीडियो में देखेंगे। ये मधुपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण उस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है, वो भूमि जहाँ पर आगजनी हुई है, जहाँ पर मामला हुआ है, जहाँ पर उपद्रव किया गया है, जहाँ हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस महाकाल के पवित्र तट से घोषणा करता हूँ कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित। क्या गलत है, हमारे वो भाई बहन जो दूसरे देश में प्रताड़ित करके निकाल दिए गए, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, वो कहाँ जाएंगे, उनको नागरिकता देने का काम है ये किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, बिल्कुल सच है ये कारण, बिल्कुल सही है ये कारण। जुड़ने के लिए आभार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।